Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. 2021 इलेक्शन जो साल होंदो ऐं सिलेक्शन जे खात्मे जो साल साबित थींदो। हुकूमत ॻाल्हियुनि लाइ राबता करे रही आहे पर असां NRO न ॾींदासीं। लॉन्ग मार्च बि थींदो, इस्तीफ़ाऊं बि ईंदियूं ऐं हुकूमत बि घर वेंदी। मरियम नवाज़ चयो आहे त हुकुमरान नून लीग तोड़े PDM खे टोड़े न आहिनि सघिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हू बेतमादी रिथ वारी ॻाल्हि PDM माण्हू रखंदो ऐं पोइ असां बि उन ते जवाबु ॾींदासीं। नून लीग जे पार्लियामानी पार्टी जे इजलास बाद मरियम नवाज़ चयो त ओपोज़िशन नैब जो ज़ुल्म बर्दाश्त करे छॾियो, हाणे हुकूमत जो वारो आहे नैब कानून खे जीअं जो तीअं रहणु ॾियणु घुरिजे। परॾेही फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ़ जो दामन साफ़ आहे। PTI मना कयल परॾेही फंडिंग हासिलु नाहे कई, लिकाइण लाइ कुझु नाहे। ओपोज़िशन ॿियनि लाइ खोटियल खॾ में पाण किरी पई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पार्टी अॻवाणनि ऐं हुकूमती तर्जुमाननि जे इजलास दौरान परॾेही फंडिंग केस में ओपोज़िशन खे टफ टाइम ॾियण जी हिदायत करे छॾी। इमरान ख़ान चयो त ब्रॉडशीट जी मुकमल जाच कई वेंदी। केस में फ़ाइदो वठंदड़नि खे समूरनि माण्हुनि खे वाइको कयो वेंदो। नून लीग कब्ज़ा माफ़िया खे सपोर्ट करे रही आहे। इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी PTI ख़िलाफ़ परॾेही फंडिंग केस ते ॿुधणी लाइ 26 जनवरी ते इजलास तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार अकबर एस बाबर ऐं PTI जे वकीलनि खे पेश थियण जी हिदायत। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां स्क्रूटनी कमेटी खे PTI ख़िलाफ़ परॾेही फंडिंग केस जल्द उकलाइण जी हिदायत। गुज़िरियल ॿुधणी दौरान अकबर एस बाबर तरफ़ां बेतमादी ज़ाहिर करण ते स्क्रूटनी कमेटी जा मेंबर्स इजलास मां हलिया पिया हुआ। नैब जे अॻोणे चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद शाह जो बरतानवी अदालत में ॾिनल बयानु मंज़र आम थी अची वियो। अॻोणे नैब चेयरमैन चयो आहे त ब्रॉडशीट पाकिस्तान में लुटियल नाणो वापसि कराइण लाइ कुझु नाहे कयो। नैब जो अॻोणो प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम ख़ान जो पुटु ब्रॉडशीट जे पार्टनर तौरु कमु करे रहियो हो। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शाह इंकशाफ़ कयो आहे त ब्रॉडशीट सां मुआहिदो लाॻापियल वज़ारतुनि जी मंज़ूरी बिना कयो वियो। ब्रॉडशीट नैब तरफ़ां मुहैया कयल ॼाण खे ई हदफ़ ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कंदो रहियो। ब्रॉडशीट नैब खे का फ़ाइदेमंद ॼाण न ॾेई सघी ऐं नई वरी लुटियल पैसो वापसि आणण में मदद कई। सिंध सरकार सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट ज़रिए कराइण जी मुखालफ़त करे छॾी। सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती रेफरेंस ते सुप्रीम कोर्ट में जवाबु जमा। सिंध सरकार पंहिंजे जवाब में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त सदारती रेफरेंस सियासी मसलियतनि तहत दाख़िल कयो वियो। रेफरेंस में को बि कानूनी सवाल न उथारियो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती रेफरेंस ते पंहिंजी राय ॾियण खां इनकार करे सेनेट चूंडूं आइन तहत थींदियूं आहिनि। इलेक्शन एक्ट साल 2017 में चूंडुनि जो रुगो तरीक़ेकार वाज़े थियलु आहे। सेनेट चूंडुनि ते आइन जो आर्टिकल 266 लागू थिए थो। असांखे महिरबानी करे असांखे सां बाज़ियाबु करायो वञे, हुनजा ॿार छॾिया वञनि, ॿार जेका आहिनि उहे छॾिया वञनि, नंग कंहिंजा न खणब आहिनि। असां ग़रीबूं, असां नाजाइज़ी आहे, असांजो हेॾो बि वायल होॾो बि, असां मज़ूरी करण वारा माण्हू असांजी, असां औरतूं खॼी वियूं आहिनि, नाजाइज़ी थियल आहे, पुलिस घर ड्राए वई आहे। असां सां इंसाफ़ थियो वञे, DSP सां असां इहा ई गुज़ारिश आहे त इंसाफ़ करायो वञे, हिन जा औरतूं छॾियूं वञनि, ॿार छॾिया वञनि, त इहे असांखे बाज़ियाबु को कंदा, न त ईअं असांखे मारे छॾींदा आहिनि। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट मां जेको आहे वरी हिननि ॿ जेके ट्रक ड्राइवर ऐं कैलेंडर जेको आहे उहो अगवा करे खणी। करमपुर जो गढ़ी तेगो वारो इलाइक़ो धाड़ेलनि जी आमाज़गाह बणियल। धाड़ेल वधीक ॿिनि ॼणनि खे अगवा करे विया, जंहिं बाद धाड़ेलनि वटि क़ैद माण्हुनि जो अंग छती वियो। धाड़ेलनि रोड़ी वासी ट्रक ड्राइवर यासीन शेख ऐं शिकारपुर वासी क्लीनर हनीफ़ मलिक जी वीडियो जारी करे छॾी।
वीडियो में मोगी यासीन शेख चे वाहिद धाड़ेल चवन था एस एस पी अमजद शेख सदन नंग छड़े तो असा आजाद कंदा। एस एस पी अमजद शेख टाइम न्यूज से ाले चवाहे तो पुलिस ऑपरेशन दौरान औरतू गिरफ्तार ना क्यों धाड़ेल पुलिस के दबाव विझण ला मोगिन की वीडियो जारी कई है। पुलिस कें दबाव में अच्छा बदरान धाड़ेल खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कंदी। अमेरिकी सहाफी डेनियल पर्ल के कत्ल केस में गिरफ्तार जवाबदार उमर शेख जा जेल में भी दहशतगर्दन से राबता होजन जो इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में डेनियल पर्ल केस के बुधनी दौरान एजी सिंध सूबाई हुकूमत की नाकामी जो एतराफ कर वरतो। उमर शेख वटां जेल में सत मोबाइल फोन और सिम्स हथ कर की भी दावा। बुधनी दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह पुछे तो उमर शेख तरफा जेल में भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जिम्मेवार केर है। एजी सिंध तो जवाबदार तरफा जेल में दहशतगर्दन से राबो कर सिंध हुकूमत की नाकामी है। अहमद उमर मलिक मुल्क दुश्मन जो एजेंट है। जस्टिस मुनीब अख्तर चयो तो उमर शेख के हिरासत में रखने वाले हुक्मनामे में दुश्मन एजेंट जो जिक्र ही ना है। सिंध हुकूमत चाहे थी तो अहमद उमर के हु पान न पर अदालत दुश्मन करार दे। सिंध सरकार की दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल और चैनी सूबन के एजीज के नोटिस जारी। अदालत उमर शेख और बेन जवाबदार की आज़ादी बाबत हाईकोर्ट जो हुक्म मुअत्तल करने वाली इस्तदा रद्द कर छी। वफाकी हुकूमत की इजाजत का पोए सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन जो ऑर्डर दई छो। फेबरवरी का अग वैक्सीनेशन शुरू करण जो ऐलान। सेहत खाते है तो पैं फेबरवरी से कोरोना वैक्सीन मिली वी पे मरहले में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीन लगाई वी। सिंध में कुछ ग्रुप पाड़ेसरी मुल्क की हिमायत से मसाला पैदा करण घुरन था। कुछ कौम परस ग्रुप इस्तेमाल थियण लाए सदाई तैयार हैं। शहर पसंद ग्रुप्स खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कानून लागू कदड़ इदारन की मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन से हालतू कंट्रोल में आन। वे वजीर मुराद अली शाह की सरबराही में एपिक्स कमेटी के इजलास के आगाही। इजलास के खिताब कदे वे वजीर है तो एपिक्स कमेटी के फैसलों से बेहतर नतीजा मिलिया। सूबे में अमन अमान लाए कानून लागू कदड़ इदारन वड़ियों कुर्बानियों दिनों आन। रावलपिंडी की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में शहीद बेनजीर भुट्टो कत्ल केस की बुधनी जवाबदार अगोणे डीआईजी सऊद अजीज जो वकील पेश न थो। अदालत 8 मार्च का रोजानो की बुनियाद केस बुधन जो फैसलो कदे धुरन के हाजिरी यकीनी बनाने जो हुक्म दई छो। अदालत बाहरिया मीडिया से ाले अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक तो अलमियो है तो अदालतों बेनजीर भुट्टो केस के फैसले बदरा तारीखों दई रही। सिंध मदरसतुल इस्लाम की बानी हसन अली आफंदी के पोटे जैन आफंदी के कत्ल केस में अहम अगभराई। पुलिस जैन आफंदी कत्ल केस में गिरफ्तार सोनारे कामरान के कराची की मकामी अदालत आरोप पेश कर छो। जवाबदार दुर मोहम्मद इमरान फैजान और रहमतुल्ला भी पेश। अदालत गिरफ्तार सोनारे के बड़ी के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। चैन जवाबदार जिस्मानी रिमांड में भी बिन ढीह की बात। पुलिस चवणा है तो जैन आफंदी के घर में फुर थियल सोन कामरान नाले सोनारे के विक्रो किया वो हो। जवाबदार निशानदही से सोनारे के गिरफ्तार किया। जवाबदार वटा अहम शाहिद मिली हैं। अदालत पुलिस के इंदर बुधनी से अगभराई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर छी। सिंध में कोरोना 8 मरीजन जो हयातियों गिड़काय वो 854 नवा केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस अटेलन जो अंग वधी 242053 थी वो। वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना जा नवा अंग जारी कर छड़ा। गुजरियल 24 कलाकन में 471 मरीज सेहतियाब। कराची में 579, हैदराबाद में 51, शहीद बेनजीराबाद में 37 और उमरकोट में 36 नवा केस जाहिर। नैब सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में जाली दाखिलाओं बाबत रेफरेंस के जवाबदार खिलाफ शाहिदियों पेश कर में नाकाम। कराची की एहतसाब अदालत 4 साल सतन जवाबदार के आजो करार दई छो। जवाबदार में कॉलेज जो अगणो प्रिंसिपल अकबर हैदर डॉक्टर शमशेर अब्दुल हादी सिद्दीकी प्रोफेसर नसीरुद्दीन बिया शामिल। नैब कराची साल 2000 का 2001 तक कॉलेज में मुबैना जाली दाखिलों को रेफरेंस दाखिल किया हो। पूरा
सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में मकामी शागिर्दन बदरां बियन सूबन के शागिर्दन के दाखिला देने लाए जारी डोमिसाइल ठाण जो सिलसिलो जारी। यूथ एक्शन कमेटी के सर से शहरी तोड़े शागिर्द सरापा एहतजाज बणियल। हैदराबाद सखर नौशरो फिरोज ए बियन शहरों में डीसीज ऑफिसेज आदो एहतजाजी मुजाहरा। जी डी ए एम पी ए शहरियार महर टाइम न्यूज़ से गालहाइंदे चवा है जाली डोमिसाइल्स ठाण वाले स्कैंडल में सिंध हुकूमत मुलविस है। जाली डोमिसाइल मामले से कमिश्नर डीसी से राबतो क्यों था पर उ कॉल अटेंड कर तैयार ना। मकामी शागिर्दन के हकन लाए सिंध असेंबली में भरपूर आवाज उथारी। खैरपुर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत मासूम मोनिका लाड़िक कतल केस के मुख्य जवाबदार अब्दुल्ला लाड़िक के वधीक सतन ढीह के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। जवाबदार की अदालत में पेशी वक्त सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त किया गया हुआ। भानसे हैदराबाद वेझो चलची वारे इलाके में जवाबदार छुरीजा वार कर माजूर नौजवान के कतल कर छोड़ो। पुलिस मकतूल अरबाब चन्ना जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर छोड़ो। जवाबदार फरार इलाके वासन चवना है तो जवाबदार जो जहनी तवाजुन दुरुस्त ना है। सिंध हाई कोर्ट लियारी यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों वाले मामले में नैब के आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का रोके छोड़ो। 11 फरवरी तई हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में पेशी बाद आगा सिराज दुरानी चयो तो बेरोजगार मानू असां वट नौकरी लाइंदा हन त सिफारिश करे छिंदा आहियूं। पहिरियां भी नैब केसिस के मुंह ॾेई रहा आहियूं। मुंहिंजी फैमिली जो सियासत सां वास्तो ना है। सिंध के नामियारे तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली की पेंशन बाबत टाइम न्यूज़ से खबर नशर थियण बाद सिंध यूनिवर्सिटी के वीसी जो नोटिस। डॉक्टर मुबारक अली मौजिब वीसी सिद्दीक कलहोड़ो वक्त से पेंशन जारी करण की खातरी कराई है। उम्मीद त पीएचडी अलाउंस भी दिनों वो। आवाज उथारण से टाइम न्यूज़ थोड़ा माखरानी वेझो फुर मुजाहमत से माजवियल हमरा फिदा जतियाल जा कातिल संदस पुट भाव निकता। पुलिस जवाबदार साजिद जतियाल के गिरफ्तार कर वरतो। मकतूल के भा निजाम जतियाल फरार। पुलिस दावा कई है तो जवाबदार पी के कतल कर जो एतराफ कर है। उमरकोट में सेहत खाते जान बचाइंदड़ दवाओं मरीजन के दियण बदरा रोड से उछलाए छड़ियों। डीजी हेल्थ मामले जो नोटिस वठंदे जांच कमेटी जोड़े छड़ी। रोड से उछलियल दवाओं जो अना मुद्दों ही खत्म ना है। शहरन सेहत खाते खिलाफ एहतजाज कर इल्जाम है वह तो सरकारी अस्पतालों में मरीज दवाओं लाए दरबदर थींदा रहन था पर दवाओं मुफ्त देण बदरा रोडन से उछली वन थ। उमरकोट में सीआईए पुलिस नायाब नसल जा ब हिरण मुंतकिल करण की कोशिश नाकाम बणाए छड़ी। कार से छापे दौरान ब हिरण हथ पुलिस टिन जणन के गिरफ्तार कर वरतो। पुलिस मौजूब हथ कयल हिरण ए जवाबदारन के वाइल्ड लाइफ खाते हवाले कयो वेंदो। वापरा की इम्कानी निजकारी खिलाफ मुलाजिम सरापा एहतजाज। कराची हैदराबाद जामशोरो कुंडरी कश्मोर ठुल फैजगंज खिपरो कोट गुलाम मोहम्मद ए बियन शहरों में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन जो चवना है तो वापदा के खानगा पो तो लखे मुलाजिम बेरोजगार थी वा। नोटिस वही मुआशी कतलेआम जो तैयारियों बंद कर वन। कराची के नेशनल स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस वीआईपीस की आमद सबब ट्रैफिक जो शेड्यूल तब्दील। हसन स्क्वायर खान स्टेडियम वींदड़ रोड बंद। कारसास न्यू टाउन डालमिया खान स्टेडियम वींदड़ रस्ता वरिन गाड़ियों लाइ बंद। शहर के अच वन में परेशानी। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका में पहली टेस्ट मैच सुभा खेली वी।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हवाले थियूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां।